माई डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, RLSY कॉलेज रांची। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल पर चर्चा किए थे, जो कि सेमेस्टर 4 का पेपर 8 का टॉपिक है। एलिमेंट्री कैनाल में 6 पार्ट्स होते हैं: माउथ एंड माउथ कैविटी, फायरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो 3 पार्ट्स का अप टू एसोफेगस तक कंप्लीट हो चुका था। आज मैं दूसरा लेक्चर में एसोफेगस के बाद का जो पार्ट्स है, दैट वन इज स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टोमिक क्या है। स्टोमिक इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स इनसाइड विच एसोफेगस ओपन्स। स्टोमिक इज प्रेजेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट सीरीज एक्सेप्ट सम वन। एग्जाम्पल इज साइक्लोस्टोम्स, डिप्नोई, एम्फीऑक्सस एंड सर्टेन टेलियोस्टोमी। फ्रॉम एवरी वर्टिब्रेट क्लासेस, फ्रॉम पीसेस टू मैमल, स्टोमिक इज द प्रेजेंट। सबसे पहले हम लोग फिश को लेकर चलते हैं, तो देखेंगे कि फिश इज डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरीज। कार्टिलेजिनस फिश एग्जांपल कर ले तो स्कोलियोडोन है। बोनी फिश एग्जांपल इज द लेबियो एंड द कॉमन नेम इज द रोहू। इन एवरी वर्टिब्रेट सीरीज, अभी हम फिश से लेकर के बट तक का अभी हम बताने जा रहे हैं, और मैमल का मैं डिफरेंट एकदम बिल्कुल अलग से उसे बताऊंगी। In case of the fishes, 2 birds, stomach is divisible into 2 parts. Anterior one is the cardiac and the posterior one is the pyloric. The cardiac is the largest part and the pyloric is the smaller part of stomach. The opens, esophagus opens inside the cardiac part of stomach and the guarded by the valve called the cardiac valve. Likewise, pyloric part is also consist of the pyloric valve, and function of these 2 valves are to prevent the backward movement of the food. तो यह backward movement of food को रोकता है। जैसे कि एसोफेगस से फूड जैसे ही स्टोमिक में आ गया, कार्डियक पार्ट में आ गया, तो फिर वापस एसोफेगस में नहीं जाएगा, बिकॉज द एपर्चर इज क्लोज्ड बाई द कार्डियक वाल्व। लाइकवाइज व्हेन द फूड इंटर्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट वन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो फिर वापस ये पाइलोरिक स्टोमिक में नहीं आ पाता है, बिकॉज द एपर्चर इज क्लोज्ड बाई द पाइलोरिक वाल्व। Stomach consists of the gastric glands in which the gastric enzymes are present, which secretes the different type of enzymes and the HCl, जो कि हम associated gland में मैं पढ़ाऊंगी। In case of the cartilaginous fish, the stomach is divided into 2 parts. That one is cardiac and the pyloric, but here the pyloric is elongated tubular like structure and it forms the J shape. ये J shape यहाँ स्कोलियोडोन में बनाता है, जबकि J shape structure pyloric stomach का J shape structure और किसी भी vertebrate series में नहीं पाया जाता है। यह एक फिर objective question या 1 marks question है, नहीं पाया जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कार्डियक स्टोमिक और पाइलोरिक स्टोमिक, ये 2 भाग में जो बटा हुआ है, तो इट इज फाउंड इन फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। बट इन केस ऑफ बर्ड, स्टोमिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नो डाउट, बट हियर इट इज कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस, दैट वन इज एंटेरियर पार्ट्स where esophagus opens and the posterior part of stomach is ventriculus,
अदर नेम इज द गिजार्ड. द गिजार्ड कंसिस्ट ऑफ द टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन चर्निंग एंड कटिंग द फूड. तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं बर्ड में कि गिजार्ड्स जो है अदर वर्टिब्रेट्स की टीथ की तरह यहाँ काम करता है, फूड को चर्निंग एंड मास्टिकेशन में ये काम करता है. तो ये रहा अबाउट स्टोमिक के बारे में. और ट्रू स्टोमिक वही है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड हो. अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं है तो वह ट्रू स्टोमिक नहीं कहलाता है. अगेन ये 1 मार्क्स क्वेश्चन याद रखने वाली ये बात है कि ट्रू व्हाट इज ट्रू स्टोमिक. ट्रू स्टोमिक इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर द गैस्ट्रिक ग्लैंड इज सिचुएटेड. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमिक इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश दैट वन इज द स्कोलियोडोन. देयर इज नो डिविजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बट फ्रॉम बोनी फिश टू बर्ड्स देयर इज द डिविजन ऑफ द इन स्मॉल इंटेस्टाइन. द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ड्यूडेनम एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज द इलियम. जबकि कार्टिलेजिनस फिश में ये ड्यूडेनम और इलियम ये दो पार्ट नहीं होते हैं. यहाँ ओनली क्या होता है कि एक ट्यूबुलर सिंपल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और इनसाइड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन द ऑल द फूड कंस्टिट्यूएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्प्शन आल्सो अकर्स. द ड्यूडेनम इज द यूसेप स्ट्रक्चर. ड्यूडेनम क्या है, यह पाइलोरिक स्टोमक के साथ ये पास आकर मुड़ जाता है. इट बेंड्स और एक यूसेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है. और ये यूसेप के बीच में द स्पेस जो यूसेप का स्पेस बनता है वेयर पेनक्रियाज इज सिचुएटेड. द पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज एंड द बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर आल्सो ओपन इनसाइड द ड्यूडेनम. द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड. ये इलियम पार्ट जो है बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है सभी वर्टिब्रेट्स में कार्टिलेजिनस फिश को छोड़कर, क्योंकि यहाँ तो डिविजिबल है ही नहीं, दो भाग में यहाँ तो बटा हुआ नहीं है. आगे की ओर हम लोग चलते हैं. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज ऑल्सो द लास्ट पार्ट कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश द लार्ज इंटेस्टाइन हैज द टू पार्ट्स रेक्टम एंड द कोलेका. इट इज साइक लाइक स्ट्रक्चर वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स एंड द कोलेका ओपन्स आउटसाइड थ्रू कोलेकल एपर्चर. इन केस ऑफ बोनी फिश ऑल्सो द रेक्टम इज प्रेजेंट बट नॉट कोलेका एंड द कोलेकल एपर्चर इज फाउंड. हियर द रेक्टम ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस नॉट थ्रू द कोलेकल एपर्चर. इन एम्फीबिया रेप्टाइल एंड बर्ड रेक्टम ओपन्स इनसाइड द कोलेका एंड कोलेका ओपन्स आउटसाइड थ्रू कोलेका एपर्चर. बट इन केस ऑफ रेप्टिलिया द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स सीकम कोलोन एंड द रेक्टम. यह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलोन एंड द रेक्टम. एंड ये रेक्टम जो है कोलेका एपर्चर और कोलेका में खुलता है, इसके बाद कोलेका एपर्चर में है. तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में सो मेनी पार्ट्स हैं, सीकम भी है, कोलोन भी है, रेक्टम भी है, कोलेका भी है, कोलेका एपर्चर भी है, जो कि और सब में नहीं था. और सब में क्या था, और सब में केवल रेक्टम कोलेका एंड कोलेका एपर्चर था, या तो रेक्टम एंड एनस था. ये रेक्टम और एनस कहाँ पर था, ये बोनी फिश में था. याद रखने वाली बात है, इन बोनी फिश नो कोलेका एंड नो कोलेका एपर्चर इज प्रेजेंट. इन केस ऑफ बर्ड्स द रेक्टम ऑल्सो ओपन्स थ्रू कोलेकल एपर्चर आउटसाइड. तो रेक्टम क्या है बर्ड में, रेक्टम खुलता है कोलेका में, वो सेकलाइक स्ट्रक्चर होता है, और कोलेका आउटसाइड कोलेकल एपर्चर से खुल जाता है. हियर द कोलेका इन केस ऑफ द बर्ड्स इज ऑल्सो डिविजिबल इंटू 3 पार्ट्स कॉप्रोडियम यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम. यहाँ पर कप याद रखना है, CUP कप. कप सी फॉर कॉप्रोडियम इंटीरियर पार्ट, यू फॉर यूरोडियम मिडिल पार्ट, पी फॉर प्रोक्टोडियम लास्ट पार्ट ऑफ द कोलेका एंड रीच ओपन्स आउटसाइड थ्रू कोलेकल
एपर्चर। तो ये तो हुई बात वर्टिब्रेट सीरीज में फ्रॉम फिश टू बर्ड्स। अब हम केवल मैमल के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा जाएगा तो मैमल का ही देना है, न कि ऑल वर्टिब्रेट सीरीज। अगर क्वेश्चन में ऑल वर्टिब्रेट सीरीज करके रहेगा तब सभी का जिक्र थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। देन वी कम टू द मैमल। इन केस ऑफ मैमल, स्टोमक इज डिविजिबल इंटू थ्री पार्ट्स। हम लोगों ने क्या देखा, किसी भी वर्टिब्रेट सीरीज में थ्री पार्ट्स नहीं थे, बट इन केस ऑफ द मैमल दे आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्टोमक कॉल्ड कार्डियक, फंडस एंड द पाइलोरी। एसोफेगस ओपन्स इन साइड द कार्डियक गार्डेड बाई द कार्डियक वाल्व। लाइक दिस पाइलोरिक स्टोमिज हैज एल्सो ए वाल्व कॉल्ड पाइलोरिक वाल्व। ये दोनों वाल्व का काम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। द फंडस पार्ट इज एक्चुअली कम फर्स्ट। पहला जो स्टोमक का पार्ट्स है वो फंडस है, बट एसोफेगस ओपन्स इन साइड द कार्डियक। पहला पार्ट फंडस है लेकिन ये फंडस में एसोफेगस नहीं खुलता है, रिमेंबर इट। एसोफेगस ओपन्स इन साइड द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक, एंड स्टोमक कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि हमने पहले बता चुके हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या क्या होते हैं और उसका क्या काम है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन केस ऑफ द मैमल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर ऑल्सो देयर आर थ्री पार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन नेम्ड ड्यूडेनम एंटेरियर पार्ट, जेजुनम मिडिल पार्ट एंड इलियम पोस्टेरियर पार्ट। द ड्यूडेनम इज द यू शेप स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम क्या होता है, पाइलोरिक के बाद का एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट्स है ये ऊपर की ओर थोड़ा मुड़ जाता है और पाइलोरिक स्टोमिक के साथ मिलकर ये यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, दैट वन इज द ड्यूडेनम। इस यू शेप स्ट्रक्चर वाला जो स्पेस है वहाँ पेनक्रियाज सिचुएटेड होता है। तो पेनक्रियाटिक फ्रॉम पेनक्रियाज एंड बाइल फ्रॉम लिवर बोथ ओपन्स इन साइड द ड्यूडेनम। After the duodenum, the middle part is the jejunum, which is coiled structure, and the last part of a small intestine is the ileum, which is super coiled structure. The length of the elementary small intestine is the 7 meter, and the diameter of this ileum is the 2.5 centimeter in case of adult human being. तो ये बहुत ज़्यादा highly coiled होता है, ये 7 meter तक coiling होता है और 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होता है। और दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द सेंटर फॉर डाइजेशन एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द भिलाई इन इट्स वाल। इसके वाल में क्या है, भिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने एसोसिएटेड ग्लैंड में मैं बताऊंगी। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। हियर ऑल्सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिविजिबल इंटू थ्री पार्ट्स, सीकम कोलोन एंड द रेक्टम। सीकम इज द इंटेरियर पार्ट अटैच्ड विथ द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और दिस इज द ब्लाइंड साइक लाइक स्ट्रक्चर। हियर सो मेनी सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट्स, विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन्स एंड ऑल्सो इन सम एक्सटेंट इन डाइजेशन। On the wall of cecum, there is the finger-like structure that is called the vermiform appendix. In case of the human beings, this vermiform appendix is vestigial organs. Still, it has some B lymphocytes, which helps in the immunity. But in case of the herbivorous mammals like horse, rabbit, etc., the vermiform appendix is the highly developed and it secretes an enzyme called cellulase, which acts upon the cellulose and helps in digestion. तो ये सभी एनिमल्स में जो कि herbivorous एनिमल्स है इसमें ये वेल डेवलप्ड होता है और एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको सेलुलेज कहते हैं, और सेलुलेज जो है सेलुलोज पर एक्शन करता है, उसको पचाने में मदद करता है। चूँकि ह्यूमन बींग्स जो है herbivorous नहीं है, यह तो omnivorous है, इसलिए इसमें यह वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द रेक्टम। रेक्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, जिसे कप याद रखना है, कप्रोडियम,
यूरोडियम एंड द प्रोक्टोडियम। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। एंड दिस लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स एक्सटीरियर भाया एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है बाहर की ओर एनस के द्वारा खुल जाता है, जिससे कि एक्सक्रीटा जो है एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि टू ओपनिंग का मेंशन हुआ है। फर्स्ट ओपनिंग इज द कुलेकल एपर्चर एंड द सेकंड वन इज द एनस। देन द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुलेकल एपर्चर एंड द एनस। तो फिर ये दोनों में क्या है, जबकि दोनों के दोनों ही एक्सक्रीटा को बाहर निकाल रहे हैं। तो देयर इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। पहला हम लोग कुलेकल एपर्चर को लेते हैं कि कुलेकल एपर्चर वैसा एपर्चर है जो कि कॉमन एपर्चर है, जिसमें कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकलता है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी बाहर निकलता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्टिलेजिनस फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में कुलेकल एपर्चर होता है, जिससे कि एक्सक्रीटा भी बाहर निकल रहा है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट दैट वन इज द एग्स, एग्स कम्स आउटसाइड थ्रू कुलेकल एपर्चर। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हिच इज नॉट द एग लेइंग एनिमल, ये एग लेइंग नहीं होते हैं, ये विवीपेरस होते हैं, तो हियर दिस कुलेकल एपर्चर इज अब्सेंट एंड द एनस इज प्रेजेंट। द एनस इज द ओनली ओपनिंग फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट वन इज द एक्सक्रीटा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को निकालने वाला जो एपर्चर है वही एनस है। एनस से केवल अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ही बाहर निकलता है, न कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल दैट वन इज द एग्स। तो ये ग्रेट डिफरेंस जो दोनों में है आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सबको ध्यान से सुनिए, इसका नोट्स बनाइए और फिर ये नोट्स को मेरे को दिखाइए। थैंक यू।